आप सब? उम्मीद करती हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। फास्ट फूड है, इसे हम हेल्दी घर पर कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें हम डालेंगे ऐसे ऐसे वेजिटेबल जो नेचुरल वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, ये बहुत ही बेनिफिशियल कर रेडी होगा फास्ट फूड। इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाला है, जो वेजिटेबल्स डाला है, वो हमारे बागान के हैं, एकदम नेचुरल हैं, हाईब्रिड वाले नहीं हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये चाउमीन बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये चाउमीन की रेसिपी, ये डिश आप इसे ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा ये रेसिपी, ये चाउमीन की डिश आपको कैसी लगी। हमें रहेगा आपकी कमेंट का इंतजार। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे कीजिएगा, इससे हमारे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये चाउमीन की रेसिपी, इसको हमने बिल्कुल हटकर अलग अंदाज से बनाया है, तो ये आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी नई रेसिपी, जो भी सुझाव आपके मन में है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट में जरूर। लीटर पानी लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे क्या है ना, चाउमीन एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, पानी को हम गर्म कर लेते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं आपको। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी कर लिए हैं। धनिया पत्ती, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, रेड पत्ता गोभी, प्याज स्लाइस कटा हुआ, टमाटो सॉस, ग्रीन हरी मिर्च, चिल्ली सॉस, यहाँ पे विनेगर, ये हमारे पास विनेगर है, विनेगर का भी काम है। हम डाल देंगे दो पैकेट चौमिन। पक गई है, उबल गई है, गैस को फ्लेम बंद कर दिए हैं। हम एक छन्ने से छान लेते हैं। सारे नूडल्स को रनिंग वाटर से वॉश कर लिया, एक एक लच्छा इसका बिल्कुल अलग हो गया है। चलिए अभी इसे साइड करते हैं, वेजिटेबल फ्राई कर लेते हैं। पैन में हमने दो चम्मच तेल ऐड किया है, तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तेल को हम हीट कर लेंगे। तेल हीट हो गया है, हम प्याज की स्लाइस डालेंगे, हरी मिर्च दो से तीन, टमाटर कटा हुआ। हमें वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हरा मिर्च स्लाइस कटा हुआ, पत्ता गोभी, रेड पत्ता गोभी फिर हम डाल देंगे, कैरेट ऐड कर दिया। वेजिटेबल हम दो मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। नमक आधा चम्मच, 1/4 हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, 1 चम्मच भर के चिली सॉस मिक्स करेंगे। ये सारे नूडल्स, 3 चम्मच इमली सॉस, 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस, अच्छे से मिक्स कर देंगे। डालेंगे धनिया पत्ती। चाउमीन रेडी हो गई है, गैस को करते हैं ऑफ। ऑलमोस्ट चाउमीन बनकर रेडी हो गई है, हम इसे करते हैं सर्व। वाओ, बहुत ही जबरदस्त चाउमीन बनी है। चाउमीन बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छी ये बनी हुई है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, ये चाउमीन की डिश, ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।